बात सुशांत सिंह राजपूत केस की। इस पूरे मामले में, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसके साथ ही सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और फिल्म निर्माता संदीप सिंह भी संदेह की भूमिका में है, संदेह के घेरे में है। इस बीच सुशांत के पिता केके सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए। केके सिंह का कहना है कि रिया चक्रवर्ती मेरे बेटे को लंबे समय से जहर दे रही है, ड्रग्स दे रही है, उसने सुशांत की हत्या की है और उन्होंने आगे मांग की है कि जांच एजेंसियां जल्द से जल्द रिया को गिरफ्तार करें। हालांकि इससे पहले सुशांत के पिता और परिवार ने रिया पर सुशांत के पैसे हड़पने के आरोप लगाए थे। ईडी फिलहाल इनकी जांच कर रही है। और इधर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ये फिलहाल पूछताछ चल रही है मुंबई में। इस बीच रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती पूछताछ में सहयोग के लिए रिया के घर पहुंचे। पिता के आने के बाद रिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें रिया के पिता नजर आ रहे हैं और रिया के पिता को मीडिया वाले घेरे हुए हैं। वीडियो पोस्ट करके रिया ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। सीबीआई और ईडी की जांच के बीच सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने रिया चक्रवर्ती को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती जब सुशांत सिंह के घर से निकली थी तब उसने वहां मौजूद 8 हार्ड डिस्क को नष्ट किया था। इसके लिए आईटी एक्सपर्ट्स की राय भी ली गई थी। सीबीआई अब इन हार्ड डिस्क का राज पता करने में लगी है। सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी को केस की मुख्य कड़ी मान रही है। वहीं खबर यह भी है कि एक चैनल को दिए इंटरव्यू में रिया ने हार्ड डिस्क नष्ट करने के आरोपों से साफ इनकार किया है।